तो चलिए ये मज़ेदार कश्मीर के ऑथेंटिक दम आलू बना लेते हैं। कितना सुंदर सा कलर आया है देखिए। तो फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। एक कुकर में मैंने पानी चढ़ा दिया है। 15 से 20 बेबी पोटैटोज़ हैं देखिए आप, मैंने ये लिए हुए हैं और धो के डाल दिए हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। इसकी यहाँ टिप है कि हमने इनको डीप बॉईल नहीं करना है, हमने इसको लिड लगाई है, बस एक विसल आने तक बॉईल हो गए हैं ये। बहुत ही देखिए इतना हार्डली बॉइल्ड है, अभी इसको प्रॉपर बॉईल नहीं करा है। ठंडे करिए, छिलका उतार लेंगे फटाफट, अभी गर्म है तो ये देखिए ठंडा होने पे मैंने उतारा छिलका। अब इसको ना होल कर लेंगे, चाहे तो आप किसी टूथपिक से कर लीजिए या फिर इसको किसी कांटे से कर लीजिए। इसका मकसद है फ्राई करने के टाइम ये पूरे अच्छे से फ्राई हो जाएं और बाद में इनमें मसाला भी अच्छे से चला जाए। तो अच्छे से करिए इनको प्रेक। तो ये ना रेसिपी है जो इसमें ना हम हल्दी यूज़ कर रहे हैं, ना हम लहसुन अदरक टमाटर प्याज कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम ऑथेंटिक कश्मीरी जो घर हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनके घरों में बनने वाली जो रेसिपी है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि वहाँ पे प्याज लहसुन जो लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ये डेफ़िनेटली आप व्रत में भी बना सकते हो। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मैंने प्रिक कर रही हूँ इसको। तो अब एक तरफ सरसों का तेल चढ़ा दिया है तलने के लिए। तो आलू है ना जो हमने प्रिक इसलिए करे हैं ताकि अंदर तक ये तले जाएं। तो ये देखिए इनको डालते जाएंगे और बहुत तेज़ आंच पर इनको नहीं तलेंगे, तलने के लिए लगभग लगेंगे 15 से 20 मिनट। तो डालते जाइए, सारे आलू मैंने डाल दिए हैं ये देखिए। तो ये याद रखिए कि बिल्कुल आपको जो आलू हैं बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करने हैं, बस एक सीटी आने तक आपको बॉईल करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको रख सकते हो स्टीम के अंदर, बस जब तक स्टीम निकल जाए। और इधर हमने शुरू कर दिया तड़के की तैयारी। कश्मीरी या दम आलू हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च तो बनती है भाई। तो 1.5 चम्मच ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च और दही में डिल्यूट कर रही हूँ। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो कश्मीरी दम आलू हैं, मतलब इनमें जो कश्मीरी मिर्च है इसका मेन रोल है, तो इसको मतलब जलनी नहीं चाहिए। अगर आप सीधी घी में डाल दोगे या तेल में डाल दोगे लाल मिर्च को तो वो जल जाएगी और ना कलर अच्छा देगी ना फ्लेवर। तो इसको या तो पानी में डाइल्यूट कर लीजिए या फिर दही में। दही हम और भी ऐड करते रहेंगे अगर ज़रूरत है। अभी मैं पानी ऐड कर रही हूँ, अच्छे से पानी को कर लीजिए मिक्स। तो ये देखिए, तो इधर मेरे आलू अभी भी ब्राउन नहीं हुए हैं, अभी भी ये चल रहे हैं। तो आप ये रेसिपी ना व्रत में भी खा सकते हो क्योंकि इसमें ना तो लहसुन प्याज टमाटर कुछ भी नहीं है। तो इधर मैंने आधी बड़ी काली इलायची ले ली है और एक हरी इलायची ले ली है, एक चुटकी दालचीनी की ली है। इनको थोड़ा मोटा मोटा हम पीस लेंगे। तो ये खड़े मसाले हैं ना, बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। इसमें वैसे तो इंग्रेडिएंट कुछ नहीं है, आलू हैं दही हैं और बाकी तो सारे मसाले ही हैं हमारे, कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करेंगे। तो बहुत ही शानदार बनते हैं कश्मीरी घरों में बनने वाले दम आलू, बिल्कुल वही टेस्ट के साथ हमने बनाने की कोशिश की है। तो अब फ्राई हो गए हैं, फिर एक बार हम प्रिक कर लेंगे, यानी इसमें होल कर लेंगे, छेद कर लेंगे दोबारा से। आप चाहो तो टूथपिक के साथ कर लीजिए। इसका मकसद है कि फ्राई करने के बाद आलू पे आ जाती है लेयर, उस लेयर को हटाएंगे। तो इधर मैंने ले लिया है अपना कुकर, जिसमें मैं जो तेल हमने आलू तलने के लिए लिया था ना वही तेल, देखिए तेल खूब लगता है इसमें, 2 से 2.5 कड़छी तक आपको तेल डालना है। ये सब्ज़ी मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल में ही बनती है। तो ये जब तेल हो जाए गरम तो 1/2 चम्मच लगभग हींग का डाल देंगे इसमें। हींग का मेन इसमें होता है, देखिए ऊपर से डाला 1 चम्मच भर के जीरा। इनको भून लेंगे। अब बारी है हमारे खड़े मसालों की, जो हमने कूट लिए हैं, बारीक नहीं कूटने हैं, और 3 लौंग डाल दिए हैं मैंने।
और उधर जो दालचीनी इलायची दोनों तरह की डाल देंगे हम इसमें, और तेज पत्ता डाल देंगे। तो इन सबको मिक्स करेंगे, अच्छे से भून लेंगे इनको भी अच्छे से। तो बस अब कुछ नहीं करना है, जो ग्रेवी हमने बनाई थी दही और कश्मीरी लाल मिर्च की, वो डाल देंगे। इसको सारा पानी डाल के निकाल लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। आप देखिएगा कलर एंड तक इसका मेंटेन रहेगा। और जब भी आपको यूज़ करना है ना, थोड़ा गर्म पानी यूज़ कीजिए इसमें, ताकि इसका कलर है जो सब्ज़ी का मेंटेन रहे। ये है टिप हमारी आज की डिश की। तो ये देखिए कलर और भी निखर निखर के इसका आएगा, जैसे जैसे दही भुनेगी तो वैसे ही कलर और सुंदर बन जाएगा। अच्छे से चलाते रहना है। तो तब तक देखिए आप मेरा चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है। आई होप आपको मेरी डिशेस आती हैं पसंद, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए अच्छे से इसको भून लिया है हमने काफ़ी देर तक। अब बारी है इसमें मेन इंग्रेडिएंट ऐड करने की, जो है सौंफ का पाउडर आधा से पौना चम्मच, और सौंठ पाउडर यानी अदरक का पाउडर एक चम्मच। सौंफ भी ना इसमें काफ़ी पड़ती है, एक चम्मच भर के डाल दीजिए अगर आप खाते हैं तो। इसमें बहुत मतलब मेन जो इंग्रेडिएंट है दही है, सौंफ और सौंठ का पाउडर है। वैसे तो आप देखिए खड़े मसाले डाले हैं बाकी हमने, और आलू डाल दिए, इसको भून लिया है। तो इसमें अब लगाएंगे हम दम, यानी कि इसको करेंगे हम अच्छे से बंद। नमक डाल दिया है, नमक डाला नहीं था। अगर व्रत का डाल रहे हैं तो सेंधा नमक डाल लीजिए अगर व्रत के लिए बना रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट है व्रत के लिए भी ये। तो ये देखिए कलर देखिए आप अब भी कलर नोट कर लीजिए और एंड तक इसका मेंटेन रहेगा कलर। अब बारी है इसमें पानी डाल के दम लगाने की। तो 20 मिनट की कुकिंग के लिए जितना पानी लगेगा आप डाल दीजिए। मैंने एक बड़ा गिलास भर के डाल दिया था, ज़्यादा रह गया था, आप थोड़ा कम डालिए पानी इसको पकाने के लिए। तो ये देखिए अब लगाएंगे दम। इसको दम लगाने के ना मेन कई तरीके होते हैं, पर आप कुकर की लिड भी बंद कर सकते हो। ये देखिए ये लिड लगा के देखी, पर इसमें होल है, ऐसी कोई लिड आपने नहीं लगानी है। आप चाहो तो कुकर का ढक्कन लगा सकते हो, पर विसल नहीं बजानी है। ये लगाया मैंने, एक प्लेट लगा दी और इसके आसपास मैं रोल कर दूंगी आटा, ताकि बिल्कुल स्टीम बाहर ना निकले। आप चाहो तो सीधा इसके ऊपर बहुत हैवी वेट भी रख सकते हो, बस उतना ही बहुत हो जाता है। या आप इस पे सिल्वर फॉइल भी लगा सकते हो। तो ये देखिए अच्छे से मैं आटा लगा रही हूँ, और अभी मैं इसके ऊपर वेट भी रखूँगी। ये देखिए मैंने साइड पे एक बर्तन में पानी भर के रख रखा है। जब ये कवर हो जाएगा पूरा आटे के साथ सारी तरफ से, तो ऊपर रख देंगे एक हैवी बर्तन। आप चाहो तो सीधा ही हैवी पानी का बर्तन भर के, या फिर आप नॉर्मल कोई भी हैवी वेट है आपके घर पे तो आप वो रख सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। तो ये देखिए रख दिया है मैंने बर्तन। तो अब इसको 20 मिनट सिम पे मैं पकाऊंगी, और 20 मिनट के बाद ये देखिए बन गए हैं आलू। अगर इतनी ग्रेवी चाहते हैं तो रख सकते हैं, पर मैंने थोड़ी इसको सुखा लिया है। तेज़ आंच पे थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी हो गई थी, क्योंकि मैंने पानी का बर्तन ऊपर भर के रख दिया, तो शायद अंदर से पानी ज़्यादा सूख नहीं पाया। तो ये देखिए पूरी फुल ग्रेवी, और कलर देखिए आप। इसको चाहे आप परोसिए चावल के साथ, नान के साथ, या रोटी के साथ खाइए, या फिर ऐसे ही स्नैक की तरह खाइए, तो मज़ा आ जाता है। ये देखिए कर लेते हैं सर्व। कुछ नहीं डाला मैंने इस पे धनिया ना मेथी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो लगी है अच्छी। अगर मेरी वीडियो आपको लगती है अच्छी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।